गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बनें या थैंक्स बटन दबाएं। साखी का हिंदी वर्जन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। दिसंबर दा महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने विच सिखां दे 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दा जन्म पटना साहिब बिहार विच होया सी। आज असीं उन्हां दे बारे सारिआं नाल उन्हां दे जीवन दा इक किस्सा सांझा करन जा रहे हां। चिड़िया नाल जब बाज लड़ावां तां गोबिंद सिंह नाम कहावां। एक दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अंबाला शहर दे बाहर जा रहे सन। उत्थे एक बहुत वड्डा बाग सी। उस बाग दा मालक एक पीर अमीर दीन सी। उस दे कोल एक काला बाज सी। जदों गुरु जी उस बाग विच पहुंचे ता उस समय पीर अमीर दीन भी उस जगह मौजूद सी। गुरु जी दा सफेद बाज पीर अमीर दीन नूं बड़ा ही चंगा लगा अते ओ सोचन लगा, किन्ना सुंदर बाज है, इस बाग नू मैं कीवें अपना बना सकदा हां। उसने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नू चुनौती दिती, मैं तुहानू चुनौती देंदा हां कि मेरे काले बाज नाल अपना सफेद बाज लड़ाओ। जिस दा बाज जीतेगा ओ इना दो बाजां दा मालिक हो जावेगा। गुरु जी पीर अमीर दीन दी मंशा समझ गए सन। उन्होंने अजिहा करन तो मना कर दिता अते कहा कि ओह पीर दे बाज नाल बाज नहीं चिड़िया नू लड़ानगे। पीर गुरु जी दी गल सुन के हसन लगा, की गल करदे हो मिया, चिड़िया नाल बाज लड़ाओगे, कभी अजिहा हो सकता है? चिड़िया नाल जब बाज लड़ावा तां गोबिंद सिंह नाम कहावा। गुरु जी ने अपनी कृपा दृष्टि दरखत ते बैठियां दो चिड़िया ते पाई। दोहां चिड़िया ने बड़ी हिम्मत नाल लड़ाई कीती अते अंत विच बाज नू जान तो मार दिता। पीर नू अपनी गलती दा एहसास होया अते उसने गुरु जी दे मान विच एक मंच बनवाया, जिस स्थान ते अज गुरुद्वारा बादशाही बाग है। एह गुरुद्वारा अंबाला विच स्थित है। गुरुआं दी हर गल विच राज सी। की तुसी जानदे हो कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपने नाल सफेद बाज क्यों रखदे सन? बाज अपने आप विच खालसा दा प्रतिनिधित्व करदा है। अज असीं आप जी नूं दसांगे कि बाजा वाला अपने नाल बाज क्यों रखदे सन। पहला, गुरु जी दे सिंगा नू कोई मार नहीं सकदा। ओ जाता मरनगे जा मारनगे पर गुलाम नहीं बननगे। इस प्रकार बाज जाता आजाद रहनगे जा कैद विच ही मर जानगे पर अपनी आजादी नाल समझौता नहीं करनगे। दूसरा, जिस प्रकार सिंह बहादुर हिम्मत वाले अते अपने नाल हमेशा किरपान रखते हन, मुश्किल दे पलां विच बिना वक्त गवाए अपने दुश्मना ते हमला करदे हन अते उन्हां नूं बचन दा मौका तक नहीं दिंदे, इसे प्रकार बाज भी अपने शिकार नूं अपने हथियार रूपी पंजियां तों बचन दा मौका नहीं दिंदे। तीजा, सिंह अपने हाथ किसी सामने नहीं फैलांदे। ओह कर्म करन विच विश्वास रखदे हन, मेहनत करनगे अते मजदूरी करनगे पर कदी मांग के नहीं खानगे। उसे तरह बाज अपना शिकार खुद करदा है। ओह मुर्दा खोर नहीं हुंदा, भाव ओह किसी दूजे द्वारा मारे गए शिकार नूं कदी भी नहीं खांदा। चौथा, गुरु जी ते सिंह पावे जिन्नी मर्जी उचाई ते पहुंच जान, धन कमावे पर ओह हमेशा नीवे रहंदे हन, जमीन नाल जुड़े रहंदे हन। सिंह मर्सिडीज विच आनगे पर गुरुद्वारे दे जोड़े घर विच सेवा करनगे। उसे प्रकार बाज ओ पंछियां विचों है जो सब तो उच्चा उड़ सकदा है पर आसमान दियां उचाइयां विच भी जमीन दी एक एक हरकत ते नजर रखते हन। ओ उचाइयां विच जमीन नू नहीं भुलदा जिथों ओ आया है। पंजवा, गुरु दे सिंह इंसानां नूं प्यार करदे हन। उन्हां दा प्यार किसी विशेष स्थान नाल नहीं हुंदा, जिथे उसदी जरूरत हुंदी है ओह अपनी सेवा देण लई उत्थे पहुंच जांदे हन। सिखां दे जिन्ने भी गुरु होए हन ओह हमेशा भ्रमण करदे रहे तां जो ज्यादा तो ज्यादा लोकां विच अपने विचार पहुंचा सकन। उसे प्रकार बाज नूं किसी विशेष स्थान नाल प्यार नहीं हुंदा, ओह अपना कोई स्थाई घर नहीं बनांदा, थोड़े समय किसी स्थान ते रहंदा है ते फिर दूजे स्थान वल कूच कर जांदा है।
छेवा गुरु दे सिंह आलसी नहीं हुंदे, ओ हमेशा लोकां दी मदद करन दे लई तैयार रहंदे हन। उसी तरह बाज हमेशा सावधान रहंदा है। सतवां, तारा दी दिशा विच सारे चलदे हन, पर तारा दे विपरीत दिशा विच जो चलदे हन ओ गुरु दे सिंह हुंदे हन। जिथे लोक डर दे मारे अपने कदम पिछे कर लैंदे हन, उथे सिंह अपनी जान दी परवाह ना करदे होए दुश्मना नाल भिड़ जांदे हन। उसे प्रकार बाज भी हमेशा हवा दे विपरीत दिशा विच उड़दा है, जदों कि सारे पंछी हवा दे रुख वाल उड़दे हन। सतनाम श्री वाहिगुरु। एक व्यक्ति गुरु घर दे लंगर विच रोज अमीर अते गरीब लोकां नूं प्रशादा चकांदा सी। एक दिन वो लंगर विच लोकां नूं प्रशादा चकांदा होया सोचन लगा, मैं किन्ने ही लोकां नूं रोज प्रशादा चकांदा हां। उसे वेले प्रशादा छक रहे एक व्यक्ति ने उसनूं कहा, भाई जी थोड़ी दाल मिलेगी। भाई जी ने बड़े ही हंकार विच कहा, क्यों नहीं मिलेगी, भाई जी दे राज विच सारिया नू टिड भर के प्रशादा मिलेगा। मेरा पूरा भंडारा भरिया होया है, जिन्ना चाहे उन्ना खाओ, राज करो मेरे राज विच राज। इसे तरह चलदा रहा, भाई जी दा हंकार इसे तरह वद्दा ही रहा। खाओ खाओ भाई जी दे राज विच खाओ, भाई जी दे राज विच किसी दा भी टिड खाली नहीं रह सकता, खाओ खाओ। एक दिन वो सो रहा सी, उसके सुपने विच गुरु जी आए अते बोले, आज एक जरूरी काम है, चलो मेरे नाल। गुरु जी उसनु बहुत उच्चे पहाड़ ते लै गए। वो इन्ना उच्चा पहाड़ सी कि उत्थे साह लैन विच भी मुश्किल हो रही सी। सारे पासे बर्फ सी, ठंड दे कारण भाई जी दी ता जान ही निकल रही सी। उन्होंने गुरु जी नु कहा, गुरु जी ठंड दे कारण मेरी जान निकल रही है, सांह लैन दे विच भी दिक्कत हो रही है। गुरु जी ने उन्हां नूं कहा, घबराओ ना, अपने सामने वाली जमीन नूं खोदो। भाई जी गुरु जी दे कहन ते एक टोया पुट्टन लगे। थोड़ी ही देर विच भाई जी ने एक वड्डा टोया पुट दिता। टोए विच एक बहुत वड्डा पत्थर सी। गुरु जी ने कहा, हुन इस पत्थर नू हटाओ। भाई जी ने पूरी जान लगा के उस पत्थर नू बाहर काट दिता। गुरु जी ने कहा, ध्यान नाल देखो एथे की है। भाई जी ए देख के हैरान ही रह गए कि इन्नी अपोंच जगह तेरी छोटिया छोटिया कीड़िया खाना खा रही सन। गुरु जी ने उन्हां नू पुछया, कि इन्हां नूं भी तुसी खाना खिलांदे हो। इन्ने विच ही भाई जी दी नींद खुल गई अते उन्हां नूं एहसास हो गया कि गुरु जी उसनूं ए समझा के गए हन कि सानूं सब नूं खाना एक ही शक्ति दिंदी है, अते ओ है परम पिता परमेश्वर। सत नाम श्री वाहिगुरु।